दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं रामगंगा का चौबारी मेला है, जो बहुत फेमस मेला है, काफ़ी समय से लगता हुआ आ रहा है। आज आपको रामगंगा का ये मेला दिखाने जा रहे हैं जो बरेली के चौबारी क्षेत्र में लगता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मेले में। आप पुल के ऊपर चल रहे हैं तो आप पुल पे भी देख सकते हैं, मेरे पीछे वाहन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है पुल के ऊपर और काफ़ी जो है ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है लोग। लेकिन दिक्कत परेशानी की मतलब जो कोई बात नहीं, उनके लिए आस्था का प्रतीक है हमारा गंगा का मेला, तो इसलिए कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्राली में लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इतने बहुत ज़्यादा गंगा किनारे भीड़ है, गंगा में जल तो कम है, रामगंगा के अंदर जल काफ़ी कम लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी दूर से मैं चल के आ रहा हूँ। अभी जल जो है दिखाई नहीं दिया मुझे, जल जो है बिल्कुल किनारे पर है, इस साइड में कोई जल नहीं है, खाली है, तो केवल दूसरे छोर पर थोड़ा सा जल लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कि गंगा में कितना जल है और ट्रैफिक जो है किस तरह से चल रहा है पुल के ऊपर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पुल के ऊपर कितनी भीड़ चल रही है, काफ़ी ट्रैफिक है, ये आप देख सकते हैं। इधर बिल्कुल जल नहीं है, गंगा कतई सूखी पड़ी हुई है। तो काफ़ी थोड़ा जल लग रहा है मुझे। फ्रेंड्स अब हम पुल से नीचे उतर आए हैं और यहाँ से चल रहे हैं गंगा किनारे। गंगा किनारे जाके पहले हम गंगा जी में प्रसाद चढ़ाएंगे दोस्तों, और स्नान तो नहीं करेंगे क्योंकि स्नान हम घर से ही करके आए हैं। तो दोस्तों गंगा में जाके हम पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको जो है मेला घुमाएंगे, आपको दिखाते हैं। जब तक गंगा के नीचे देखिए कितनी दुकानें लगी हैं चाट पकौड़े की। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेलों में ही मिल सकती हैं, आपको जो है मार्केट में नहीं मिल सकती। जिस तरह की मटर वाली चाट है, टिक्की पकौड़ी जो खाने का मज़ा यहाँ है, और लोग आते हैं यहाँ दोस्तों राउटरी लगाते हैं, मतलब टेंट टाइप के लगा के जो है यहाँ रुकते हैं, तीन तीन चार चार दिन यहीं खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि गंगा पे जो है खिचड़ी बना के खाने का आनंद ही कुछ और आता है। तो बहुत आनंद आता है, बहुत राउटरियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ यहाँ पर, आपको अभी सब दिखाएंगे, पूरा मेला घुमाएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं गंगा किनारे और आपको वहाँ प्रसाद चढ़वाते हैं, देखते हैं। और हम प्रसाद चढ़ाने के बाद जो है आपको आगे का मेला दिखाएंगे। यहाँ मटर वाली चाट दोस्तों, ये देखिए इस तरह से लोग पतीले में मटर की चाट बेचते हैं, टिक्की पकौड़ी बेचते हैं। काफ़ी जो है चीज़ें अब आपने देखे दोस्तों, ये इस तरह की सिरके वाली अमिया पपीता ये भाई आन बेच रहे हैं, 10 रुपए की। तो इस तरह के आइटम जो है खाने के लिए ही मिल सकते हैं आपको, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। आजकल पेटीज मिल रही है, देखिए यहाँ